आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है एजर्शन में, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज आर इमिटेड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो हम बात करेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा रेज की। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दोज सब्सटेंस जो कि इमिट करेंगे रेडिएशन, रेडिएशन अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ये रेडिएशन इमिट करेंगे और ऐसे सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, रेडिएशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिन्हें हम बोलेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जब रेनफॉल होती है, रीजन बताया है न्यूक्लियर फॉल आउट इज शोन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये हमारे अर्थ पे आएंगे जब रेन ड्रॉप्स द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ये रेन ड्रॉप के साथ हमारे अर्थ पे आएंगे तो ये फॉल होते हैं, तो इसे फॉल ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पे फॉल होंगे तो इसे हम न्यूक्लियर फॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे एजर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ये एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये होगा हमारा सही आंसर और बाकी के हो जाएंगे गलत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।